बिहार की राजनीति के बाहुबली नेता आनंद मोहन ने कहा है कि अब वे विधायक और सांसद नहीं बल्कि बड़ी भूमिका तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में रहते हुए सच कहना उनकी आदत है। उन्होंने ये आदत राजनीति में अलग पहचान दिलाती है। आनंद मोहन से बात की संवाददाता जलाल ने। यदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, चाहे जितना इल्जाम लगा लो, हम सच कहने के आदि हैं। बिहार की राजनीति के एक ऐसे ही बागी हमारे साथ हैं, नाम है आनंद मोहन। सर, बिहार की राजनीति के बागी का नाम है आनंद मोहन। सच कहने से गुरेज आप नहीं करते हैं? जी जी, ये तो हमारे गुरुजी जयप्रकाश नारायण जी और समाजवादी नेता चंद्रशेखर जी से हम लोगों ने सीखा कि सच को बेबाकी से। अभी हाल की घटनाओं का जिक्र करें तो आप आरजेडी से भी भिड़ गए और जरूरत पड़ती है तो नीतीश कुमार को भी भला बुरा कहने से नहीं चुकते आप। अभी कहां देख पा रहे हैं अपने आप को? हम भला बुरा नहीं कहते हैं किसी को सर। जो सच के लपेटे में आ जाते हैं तो जो सच्चाई है उसको उजागर करते हैं, उसको बेबाकी से रखते रहे हैं, रखते रहेंगे। उसमें कोई, देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मतभेद इसकी पूंजी है, मनभेद नहीं होनी चाहिए। लेकिन मतभिन्नता विचारों का ये तो लाजमी है, ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आपका ये बड़प्पन है कि आप जेपी को गुरु मानते हैं, लेकिन आपके पिताजी खुद स्वतंत्रता सेनानी रहे तो उनका खून भी आपके अंदर है। जाहिर सी बात है इसका असर गाहे बगाहे दिख जाता है बिहार। वो हमारे गुरु थे, हमने राजनीति का ककहरा 74 आंदोलन में उनसे सीखा। हम कहाँ फिट बैठते हैं वो तो आप समय आने दीजिए, सब पता चलेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है, माननीय सांसद का एक बार फिर से आनंद मोहन। मैं सांसद का उम्मीदवार, राम मंदिर का मुद्दा, क्या अयोध्या जाएंगे आप लोग? अयोध्या जाएंगे, अयोध्या जाने की जरूरत है। जो लोग सही अर्थों में राम को दिल से मानते हैं ना, तो रोम रोम में बसने वाले का नाम है राम। इसमें अयोध्या जाने की जरूरत नहीं, अयोध्या वाले आते हैं पुनराधाम। सीता जी नहीं, सीता जी की जो जो जगत जननी है, जिस दिन अयोध्या वासी सीतामढ़ी आने लगेंगे हम लोग भी अयोध्या आने चाहिए कि आने वाले दिनों में आनंद मोहन की राजनीति बिहार के साथ साथ झारखंड में देखने। हेमंत कुमार मारे के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।